गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग में। और आज हम जाने वाले हैं खाटूश्याम। खाटूश्याम जाने के लिए हम स्टेशन पर बैठे हैं और स्टेशन से हम जाएंगे पहले रिंगस, रिंगस से खाटूश्याम। और हमारी ट्रेन है 7:30 बजे की ट्रेन, आज हमारी लेट है तो फिर बैठे हुए वेट कर रहे हैं। और बैठे हुए हैं और हमारे साथ चिल्लर पार्टी भी है तो चिल्लर पार्टी से मिलवा देते हैं। ये है मेरा बड़ा भतीजा और वो उधर मंजला भतीजा और मेरा भाई भी है। हम सब चिल्लर पार्टी ही जा रहे हैं मस्ती करने के लिए। हेलो कर दो रवि, हेलो। वो ऐसे ही फोन में लगा रहता है। तो चलो आगे मिलते हैं। तो गाइस, हम खाटूश्याम पहुंच गए और हमने झंडे ले लिए। हमें नहीं आता खाटूश्याम बाबा की जय। अरे सब बोलो बाबा का झंडा लेके, और इनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है झंडा लेके चलने में। और मैम 17 किलोमीटर का ट्रेवलिंग करके पैदल हमारे साथ चल रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ना? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है, ठीक है। गाइस, हम रात को कल रात को हम खाटूश्याम पहुंच गए और आज सुबह हम जा रहे हैं दर्शन करने। और यहाँ पर भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, अभी चलते हैं अंदर फिर दर्शन करते हैं मंदिर में और देखते हैं यहाँ पे कितना भीड़ है। जितना हमसे वो कोशिश करते हैं, जितना कवर अप हम कर सके दिखा सके आपको उतना दिखाएंगे। अब हम अपने होटल से जा रहे हैं खाटू वाली बाबा मंदिर और चलते हैं। सो गाइस, मंदिर में तो बहुत भीड़ है, चलो अब अंदर चलते हैं। धक्का मुक्की करते हुए हम लोगों ने प्रसाद भी ले लिया है और डायरेक्ट अंदर चलते हैं। और यहाँ पे झंडे वगैरह कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है, वैसे तो प्रसाद भी अलाउ नहीं है, बट बाहर निकलने के बाद अंदर हमें काफ़ी कम भीड़ दिखाई दी है क्योंकि हम फ्राइडे की रात को यहाँ पहुँच गए थे और सैटरडे के मॉर्निंग में हम दर्शन करने के लिए गए थे। तो काफ़ी कम भीड़ हमें यहाँ दिखाई दी, हमने सुना था सैटरडे को काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। जो आप लोग अब यहाँ से सभी लोग नारे लगाते हुए चल रहे हैं गौरव श्री साहब, चलो आप लोग भी नारे लगाते हुए चलिए गौरव साहब स्वामी जी के। सो गाइस, तो खाटूश्याम के लिए हम दर्शन करने जा रहे हैं बाबा के मंदिर में और तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। और तो अभी चलते हैं इसके आगे, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बाबा के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। वाले बाबा की तो भी मैंने बाबा के दर्शन कर लिए, आप लोग भी यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। देखिए आप खाटू वाले बाबा की जय। तो गाइस, यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट दर्शन करने के बाद जस्ट बाहर ही आप तो ये मार्केट दिखाई देगा, आपको जो भी शॉपिंग करना है वहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारी दुकानें हैं प्रसादों के लिए और शॉपिंग करने के लिए और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे।
तो आप लोग जैसे देख सकते हैं हम भी शॉपिंग किए और ये बहुत बड़ा मार्केट है और होटल वगैरह भी है यहाँ पे। तो आप लोग मार्केट देखिए और चलो चलते हैं आगे। सो हम बाबा के दर्शन करके आ चुके हैं मंदिर से और आते ही होटल में हमने कपड़े वपड़े चेंज कर लिया है और चेंज करने के बाद गाइस यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा दर्शन करके बाबा का। और आज भीड़ भी नहीं थी जितनी, वैसे तो सब कह रहे थे सैटरडे को बहुत ज़्यादा ऑफ रहता है तो मतलब भीड़ रहती है, बट भीड़ भी नहीं था और बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला बाबा के दर्शन करके। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं यहाँ पे। और तो गाइस अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आप लोगों को होटल भी रेंज में मिल जाता है, आपके बजट में मिल जाएगा होटल। और आप लोग तो खाटू श्याम के बारे में जानते ही हैं, आए होंगे आप लोग तो यहाँ पे, ठीक है? नहीं आए होंगे वो एक बार जरूर आके दर्शन करने। तो आपको भी आप लोग नहीं जो नहीं आए एक बार जरूर आएंगे ना यहाँ पे, आपको भी बहुत सुकून मिलेगा यहाँ पे, बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग भी यहाँ पे आके जरूर बोलोगे जो हाँ भाई कुछ सुकून मिला हमें। वीडियो आप लोग कैसे लगे प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि मंदिर में वीडियो इतना बनाना अलाउड नहीं था तो हम इतना वीडियो नहीं बनाए, जितना हमसे हो सका हमने बना लिया उतना, और वीडियो बनाना अलाउड भी नहीं था तो हमने बनाया भी नहीं इतना। और ठीक है गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम। और यहाँ की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को और कमेंट करके जरूर बताइएगा एक बार। ठीक है गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।